हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर प्रिवेंशन यानी कि होता क्या है। फायर प्रिवेंशन में एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया जाता है ताकि जो भी फायर हजार्स है उसको कम किया जा सके। अब ये फायर हजार्स यानी कि कौन से हजार्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो है उसमें ओवरलोड होना, या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम का सही तरीके से अगर उसका मेंटेन ना करे तब भी फायर हजार्ड हो सकते हैं। तो इस फायर हजार्ड को कम करने के लिए जो हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं ताकि फायर को जो है वो कोई ऐसा चांस ना मिले कि जिसकी वजह से वो इग्नाइट हो। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर प्रिवेंशन यानी कि आग लगने से पहले जो हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं उसे फायर प्रिवेंशन कहते हैं। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पैनल्स है या फिर डिबी है तो उसको आग लगने से पहले हम क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। यानी कि इंस्पेक्शन जो है वो फायर प्रिवेंशन में आता है जो हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं। फिर उसका है कि उसका हम रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं ताकि उसमें कोई भी खतरा ना हो आग लगने का। और फिर उसके बाद है कि हम टेस्टिंग के थ्रू फायर प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो एक प्रोएक्टिव स्टेप्स है। जैसे कि अगर हमारे पास एक पैनल में आरसीसी भी हो या फिर ईएलसी भी हो वो लगी है तो उसकी जो कंडीशन है वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम जो है उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो है ये फायर प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फायर प्रोटेक्शन यानी कि होता क्या है। तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अलग तरह के जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो या फिर प्रोसीजर्स हो उसको कॉम्बिनेशन किया जाता है और वो जो है वो साथ में काम करता है और डिटेक्ट करता है फायर को जहां पर भी फायर हुई हो, और उस फायर का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है तो उसको कम करने का जो है वो काम फायर प्रोटेक्शन में किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम होती है कि अगर कहीं पर अगर आग लगी है तो उस आग को डिटेक्ट करना और उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करना उसे फायर प्रोटेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कहीं पर आग लगी है तो उसको अलर्ट करने के लिए हम जो है अलार्म सिस्टम लगाते हैं। तो अलार्म के जरिए हमें यह पता चलता है कि कहीं पर जो है वो आग लगी है ताकि हम इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले सके और उस आग का जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सके। फिर उसके बाद है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि आग लगने के बाद हम ऑटोमेटिक जो है वो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं हमारे साइड पर ताकि आग को जो है वो ऑटोमेटिक वहां पर बुझाया जा सके, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सके। और फिर उसके बाद है एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि आग लगने के बाद एक्सटिंग्विशर से भी आग बुझाई जा सके, तो इसे फायर प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन यानी कि होता क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।